हकीकत प्लस के मोहसिस दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। भारतीय फौजी गाड़ी के करीब धमाका, 15 फौजी हलाक हो गए। हमला माऊ जंगजुओं की तरफ से किया गया। पुलिस और बाकियों के दरमियान फायरिंग का सिलसिला जारी। मजीद डिस्कस करने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के निशान को दबा दीजिए। भारतीय रियासत महाराष्ट्र में भारतीय फौज की गाड़ी के करीब धमाका हुआ है। 15 भारतीय फौजी हलाक हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय रियासत में फौज की गाड़ी को निशाना बनाया गया है, जिसके नतीजे में 15 भारतीय फौजी हलाक हो गए हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक माऊ जंगजुओं ने भारतीय फौज की गाड़ी को निशाना बनाया। भारतीय मीडिया के मुताबिक 24 घंटों के दौरान माऊ बागियों की जानब से किया गया ये दूसरा हमला है, जबकि बागियों और पुलिस के दरमियान फायरिंग का भी तबादला जारी है। इससे कबल 27 अप्रैल को भी माऊ नवाज बागियों की जानिब से भारतीय फोर्सेस पर हमला किया गया। हमला दस्ती बम से किया गया, जबकि शदीद फायरिंग का तबादला भी हुआ। हमला इस वक्त किया गया जब भारतीय फोर्स के अहलकार गश्त में मसरूफ थे। हमले के दौरान 2 भारतीय अहलकार हलाक और मुतअद्दद जख्मी हुए थे, जबकि 9 अप्रैल को भारतीय रियासत छत्तीसगढ़ में बीजेपी के काफिले पर हमला हुआ, जिसके नतीजे में 6 अफराद हलाक हो गए थे। हलाक होने वालों में बीजेपी का रुकन पार्लियामेंट शामिल था। इसके अलावा 5 सिक्योरिटी गार्ड भी हलाक हुए। ऐसा ही वाकया कुछ रोज कबल पेश आया था, जब भारतीय फौज पर पुलवामा में बड़ा हमला हुआ था। मुतअद्दद फौजी हलाक कर दिए गए थे। भारतीय रियासत छत्तीसगढ़ में BSF फोर्स पर बागियों के हमले के दौरान 4 भारतीय फौजी अहलकार हलाक हो गए। भारतीय मीडिया की जानब से फराहम करदा तफसीलात के मुताबिक भारत की शोरश ज़दा रियासत छत्तीसगढ़ में भारतीय फौज पर हमला किया गया था। भारतीय मीडिया के मुताबिक रियासत छत्तीसगढ़ में बागियों की जानब से रियासत में तैनात भारतीय फोर्स BSF के अहलकारों पर हमला किया गया। हमले के दौरान भारतीय फोर्स BSF के 4 अहलकार हलाक कर दिए, जबकि मुतअद्दद जख्मी भी हुए। बताया गया था कि BSF फोर्स के अहलकारों पर हमला इस वक्त किया गया जब वो मामूल के गश्त में मसरूफ थे। ताहम BSF फोर्स के अहलकार बागियों के अचानक हमले का मुकाबला ना कर सके और 4 अहलकार हमले के मौका पर ही हलाक हो गए। वाज़ेह है कि भारत में इंतहाबात शुरू होने के बाद छत्तीसगढ़ में शोरश मजीद बढ़ गई है। माजी में भी माऊ नवाज बागी छत्तीसगढ़ में भारतीय फोर्सेस को निशाना बनाते रहे हैं, जबकि अब इन हमलों का सिलसिला मजीद बढ़ गया है।